नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ। आज आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करने के लिए। साथियों, सेशन को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 तक विद्यमान है। हमारे संविधान में हमने मूल अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिकार जो हम समानता का अधिकार, जो हमारा पहला मूल अधिकार था, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा था, तीसरा मूल अधिकार हमारा आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा जो मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा हुआ है, जो आर्टिकल जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। कौन सा संविधान? 42वां पंथ निरपेक्ष, जो हमारी प्रस्तावना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। याद कैसे करें? 4 और 2 6 होते हैं, 4 और 2 6। 1976 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोगों को विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई एवं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के माध्यम से पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया वो। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की, और वह प्रचार करने की, मतलब किसी भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई। किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म के का आचरण कर सकते हैं और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, उसके प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25(1) क्या कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य, क्या क्या चीज़ है? लोक कल्याण है, सदाचार है और स्वास्थ्य एवं प्रत्येक व्यक्ति को, इनकी चीज़ों को ध्यान रखते हुए। क्या क्या चीज़? एक तो सदाचार, एक लोक कल्याण, और एक हो गई आपकी स्वास्थ्य। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की, प्रचार करने की, आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है किसी भी धर्म को। अब ये चार चीजें हैं किसी भी धर्म के मानने का अधिकार के। पहली बात, मानने का अधिकार, मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, आप पे कोई बंदिश नहीं है। इसके अंतर्गत क्या क्या है? किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक कर सकता है कि भाई मैं सिख धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूँ, किसी के पे कोई मनाही नहीं है, और बिना किसी भय के घोषणा कर सकता है। तो ये मानने का अधिकार दिया गया है। दूसरा जो दिया है, आचरण करने का, आचरण करने का मतलब से है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्मकांड कर सकता है, धार्मिक पूजा कर सकता है, समारोह आयोजित कर सकता है, अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए कोई सेमिनार कर सकता है। तो इस प्रकार के जो भी आचरण, मतलब किसी भी धर्म के से रिलेटेड जितने भी आचरण होते हैं, वो करने का अधिकार है। तीसरी हमने बात की थी प्रचार का अधिकार। कि किसी भी धर्म को कि
कोई भी व्यक्ति जो जिस धर्म से रिलेटेड है, तो अपनी धार्मिक आस्थाओं को अन्य का किसी अन्य को प्रचार कर सकता है और अपने धार्मिक विचारों को प्रकट कर सकता है। चौथी थी कि अंतःकरण। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो हमारा आर्टिकल 25 कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी व्यक्ति को ईश्वर या उसके किसी भी रूप के साथ अपने ढंग से संबंध बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति के रूप में माना, इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ईश्वर को या ईश्वर के किसी भी रूप को किसी भी रूप में अपना सकता है, अपने ढंग से संबंध बना सकता है। तो ये होती है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो इनके साथ ही आर्टिकल 25(1) में तो थी स्वतंत्रता, और 25(2) में है उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध, युक्तियुक्त प्रतिबंध। ये प्रतिबंध क्या क्या है? एक तो स्वास्थ्य वाला है कि भाई आपके किसी धर्म के प्रचार अंतःकरण करने से किसी दूसरे के स्वास्थ्य पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, एक दूसरा लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। तीसरा था कि सदाचार में रह के आप किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हो, आचरण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। तीसरा सदाचार। इसी के साथ कुछ चीजें हैं कि आर्थिक, वित्तीय और लौकिक आधार पर राज्य के द्वारा धर्म से जुड़ी हुई कोई भी वित्तीय, राजनीतिक वह अन्य लौकिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। भाई राज्य अगर चाहे, अगर स्टेट अगर चाहे या सरकार अगर चाहे, तो धर्म से जुड़ी कोई भी चीज़ है, कोई राजनीतिक संगठन है, वित्तीय संगठन है, राजनीतिक है या लौकिक, लौकिक जो गतिविधि है उन पे गवर्नमेंट या राज्य नियंत्रण लगा सकती है। पहली बात तो यह। दूसरा है कि भारत में सामाजिक सुधार, कल्याण, हिंदू धार्मिक संस्थाएं, और जो भी सार्वजनिक प्रकृति के, इस प्रकार के सार्वजनिक प्रकृति के, कि भारत में सामाजिक सुधार, कल्याण, हिंदू धार्मिक संस्थाएं, जो भी सार्वजनिक प्रकृति की है, उन्हें हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। और आर्टिकल 25 के तहत ही दो स्पष्टीकरण और दिए गए। पहला तो ये दिया गया है कि सिखों को कृपाण धारण करन, कृपाण धारण, सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, उनको आजादी है। दूसरा क्या है कि हिंदू शब्द, हिंदू जो शब्द है, कौन सा शब्द है? हिंदू शब्द। हिंदू शब्द में पारसी को छोड़कर, किसको छोड़कर? पारसी को छोड़कर सिख, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी शामिल होते हैं। किस किस के शामिल होते हैं? सिख, जैन, बौद्ध, तीन धर्मों के अनुयायी, साथ में हिंदू तो हैं, पारसी को छोड़ दिया जाता है और ये अनुयायी शामिल होंगे। तो आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं आर्टिकल 25 को। पहला है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा प्रचार करने की किसी धर्म को, तीसरा मानने की, और चौथा अनुसरण करने की। ये चार प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है, जो हमें धार्मिक अधिकार है। आर्टिकल 25 जो दो है उसमें सब क्लोज दिए गए कि इन पे क्या क्या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं, प्रतिबंध कि भाई किस सब्जेक्ट पर जाके हम इस पे इनका प्रचार नहीं कर सकते। वो है स्वास्थ्य, लोक कल्याण या लोकहित, और तीसरा हो गया सदाचार। इन मैटर्स पर हम इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। तीसरा बात है जो हमने बताया कि हिंदू जो शब्द है उसमें पारसी के अलावा, सिख, जैन, बौद्ध,
जैन होंगे, बौद्ध ये शामिल होंगे, सिखों को कृपाण धारण कर सकता है, ये सब कौन सा आर्टिकल बताता है? 25 आर्टिकल बताता है। और राज्य अगर चाहे तो किसी भी जो विशेष धार्मिक संगठन है उसको वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक कार्यों में नियंत्रण लगा सकती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 25, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। और आज के लिए बस इतना ही, कल हम आर्टिकल 26, 27 और 28 पर चर्चा करेंगे और आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने पांच चार अधिकार हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और साथियों, सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिफ्लेक्शन 2.0।